बॉम्बे में मराठा मंदिर सिनेमा रीगल गोल्ड प्रीमियर सबको केडीएम ही नहीं दिया डंकी का। उनकी बात है कि मैं कल का बुकिंग भी खोल नहीं पा रहा हूँ, ना डंकी का ना सलार का। अरुण जी को बोलूँगा फ़ोन पे और प्रभाष जी को बोलूँगा आपके पिक्चर की हालत है भी आप जानो, फिर तो कुछ होना ही, फिर तो बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे। यहाँ आए हैं तो मैं आप सबकी माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें पिक्चर दी नहीं है उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ, प्रभास का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं ये चाहता हूँ प्रभास की पिक्चर रिलीज़ हो, सुपर डुपर हिट हो। डंकी रिलीज़ हो चुकी है, सबसे पहले क्या कहना रहेगा डंकी को? डंकी बहुत प्यारी पिक्चर है और बहुत दिनों से मेरा इंतज़ार था और उसके पीछे लगा था, बुकिंग नहीं खोलने देते थे। ये मेरी फरियाद लास्ट वीक से चल रही है, अभी तक चालू ही है, साथ में सलार आने वाला है और कल से, लेकिन मजे की बात है उसका भी बुकिंग नहीं खोलने दे रहे और वहाँ झगड़े चल रहे हैं, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटरों को शोभा नहीं देता। और दुख की बात है कि मैं कल का बुकिंग भी खोल नहीं पा रहा हूँ, ना डंकी का ना सलार का। तो इसमें कैसे एग्जीबिटर जिंदा रहेगा? प्रोड्यूसर तो अपनी पिक्चर बेच के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग से परसेंटेज पे एडवांस ले लेता है, अब हमारे एडवांस का क्या? हम तो मरे पड़े। तो एक बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक फैसला हुआ नहीं है, तो सलार कल रिलीज होगी कि नहीं। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है साउथ बॉम्बे में, मराठा मंदिर सिनेमा रीगल गोल्ड प्रीमियर सबको केडीएम ही नहीं दिया डंकी का और सभी जगह पे शो कैंसिल हुए, मेरे मराठा मंदिर में भी शो कैंसिल हुआ है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये शोभा नहीं देता उनको। सर आपके हिसाब से कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे कम्युनिकेशन लैग? मैं दो वीक से उनके पीछे पड़ा था और बोल रहा था कि पिक्चर को एक वीक आगे पीछे कर दो, जब दो बड़े सुपरस्टार आते हैं ना पिक्चर को एक दो वीक आगे पीछे कर दो, एक वीक भी करो चलेगा, नहीं साथ में ही आ रहा है, साथ ये साथ में ही हुआ ना, 21 को ये, 21 को डंकी और 22 को सलार। सलार का ठिकाना नहीं है, हमारे पास केडीएम ही नहीं है, तो हम सलार कैसे कल लगाएंगे? और यही सब चीज़ हमें मार रही है, बहुत बुरी तरह से मार रही है। अब इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए फैसला, जब जब दो पिक्चर आती है झगड़े होते ही, तो ये इसका फैसला होना चाहिए। आपके ज़रिए मैं मेरी पब्लिक को कहता हूँ, अगर आप यहाँ आए हैं तो मैं आप सबकी माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें पिक्चर दी नहीं है उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ कि कैसे भी करके कल मैं सलार लगाऊंगा जैसे मैंने आज डंकी लगाई है। क्या बात है, ये बात पक्की रही। फिर वीटो होता है और वीटो होता है फाइनेंसर, बोलते शर्म आ रही मुझे, फिर उसको बोलूँगा तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है, वो भी नहीं समझा, तो शाहरुख जी को बोलूँगा फ़ोन पे और प्रभाष जी को बोलूँगा आपके पिक्चर की हालत है भी आप जानो, फिर तो कुछ होना ही, फिर तो बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे, देखते। थैंक यू थैंक यू। जैसे देख रहे हैं हम ये नॉर्थ और साउथ का जो डिबेट चल रहा है, तो कहीं इसमें ईगो आ गया है बीच में, ऐसा आपको लग रहा है? सर मेरे को छोड़ के सबको ईगो है, मैं तो कभी भी कहाँ भी गो भी बोलो मैं तैयार हूँ, बाकी सबको ईगो है, मेरा क्यों नहीं लगेगा, सिर्फ मेरा सलारी लगना चाहिए, सिर्फ मेरा डंकी लगना चाहिए, और ये ईगो में झगड़ा हुआ है। मेरे वहाँ 3 शोबे टंकी था, बहुत बड़े बड़े बैनर लग चुके हैं, मराठा मंदिर कैंसिल कर दिया, केडीएम दे दिया। सर बीच में रूमर्स ऐसे चल रहे थे कि सलार के जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपसे गेटी ही मांग रहे थे और डंकी के भी गेटी ही मांग रहे थे, व्हाट यू वांट टू क्लेरिफाई ऑन दिस? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, दोनों 1000-1000 सीट के थिएटर है गेटी और गैलेक्सी, तो ये गेटी में क्या रखा हुआ है? मैं अभी कुछ नया सोचने वाला हूँ, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर पिक्चर देख रहे हैं, अभी जाऊँगा मीटिंग करूँगा, मैं अभी गैलेक्सी निकाल दूंगा गेटी 1 गेटी 2। सर नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि डंकी का जो सवेरे 6 बजे का शो था एज यूजुअल, उसके फैंस आए थे सेलिब्रेट किया था, किस तरीके की आप हमेशा नो अपना 5:55 पे आए थे और कल बहुत बड़ा फंक्शन डंकी का, बेंगलोर से और केरला से आए हैं वो लोग, कल मराठा मंदिर में आ रहे हैं, कल मैं मराठा मंदिर जा रहा हूँ तो करीबन 2:30-3 बजे वो फंक्शन होगा,
और देखो क्या होता है, उसके पहले ये सब मगजमारी ख़त्म हो जाए तो फंक्शन अटेंड बराबर हो सकेगा, ठीक है। बाकी सुबह का शो हाउसफुल था, बहुत धमाल हुई है, बहुत धमाल हुई है। सर जब भी दो बड़ी फिल्में आती है, दो बड़े सुपरस्टार की फिल्म आती है, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर या फिर एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस कहीं ना कहीं होता है या नहीं होता है? अगर इस तरह की हरकत हुई तो लॉस होने ही वाला है। अब एनिमल में 12 आदमी में चालू कर रहा है वो, और वो 500 आदमी थे मेरे पास डंकी के अंदर, क्या कर सकते हैं। ओके प्लीज, प्रभास का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं ये चाहता हूँ प्रभास की पिक्चर रिलीज हो, सुपर डुपर हिट हो, भगवान उसको खुश रखे, और शाहरुख जी की पिक्चर सुपर डुपर हिट हो, और वो दोनों की सुपर हिट होने से हमको जो फ़ायदा होगा वो भी भगवान की मर्जी। क्या बात है, थैंक यू।